हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा, आप सभी का स्वागत जानकारी हित चैनल पर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हम एक बात सभी जानते हैं, बजट किसी भी घर की बात हो, देश सरकार की बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपार्शियल पार्ट ऑफ एन इकॉनमी। इट मे बी बिलोंग्स टू एनी कंट्री और मे बी एट इवन एट आर हाउस होल्ड लेवल। जब बजट की बात करते हैं तो आपको एक बात बता दूं, सभी देशों में आने वाले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वहां की गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें जो हमारा आज का टॉपिक है, वहां की गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक अकाउंट, डिटेल्ड अकाउंट तैयार करती है, जिसमें उस देश में, उस इकोनॉमी में उसका रेवेन्यू कितना होगा और उसके एक्सपेंडिचर कहां होंगे, उसका राजस्व कहां से आएगा, आय जिसे कहते हैं, कहां से आएगी, कितनी आएगी और उसको खर्च कहां पर किया जाएगा, इसके बारे में एक डिटेल अकाउंट तैयार करती है, उसी को बजट कहते हैं। हमारे देश में भी ऐसे फरवरी के महीने में हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हम कहते हैं वित्त मंत्रालय, वहां हमारे जो वित्त मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट पेश करते हैं, जो सारे देश का बजट होता है। ऐसे ही हमारे देश में डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका फाइनेंस मिनिस्टर वो अपने स्टेट का बजट पेश करता है। ये जो बजट होता है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जैसे मान लो इस साल 2020 फेब में जो बजट पेश किया गया वो 2022-21 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए है। हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक होता है। तो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो बजट पेश किया जाता है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिलेटेड, उसी को बजट कहते हैं। तो अगर हम इसको शब्दों में बांधने की कोशिश करें, इट इज अ अकाउंट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर, नोन एज बजट। मतलब एक ऐसा अकाउंट है भाई जो वित्तीय वर्ष से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है उसकी इंफॉर्मेशन पेश करता है। अब बात करते हैं बजट की फीचर्स की। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं। बजट, बजट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है। ध्यान रखना, जो फ्यूचर का फाइनेंशियल ईयर है आने वाला। इसके अलावा इट रिलेट्स टू द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आएगा, राजस्व कहां से आएगा, आय कहां से मिलेगी और गवर्नमेंट उसको खर्च कहां पर करेगी, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा इसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है, ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति बजट पेश कर देगा। जब गवर्नमेंट बजट की बात हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे देश में, जो वित्त मंत्रालय है, वहां फाइनेंस मिनिस्टर उस बजट को पेश करते हैं। तो ये है इसके कुछ फीचर्स। बजट का मेन मकसद ये होता है कि जो देश की इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको प्रॉपरली, स्मूथली रूप से चलाया जा सके। कैसे चलाएंगे इसके बारे में एक डिटेल जो फाइनेंशियल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको बजट में पेश किया जाता है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार बजट पेश क्यों करती है भाई, उसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, दैट इज अ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में इनकम प्राप्त हुई, अब उस इनकम को खर्च कहां किया जाएगा भाई, किस सोर्स में कितना पैसा यूज किया जाएगा, हेल्थ के लिए कितना, एजुकेशन के लिए कितना, पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना, स्कॉलरशिप के लिए कितना, इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए अलग से, जो डिफेंस का खर्चा है वो कितना, जो हमारे सीमित साधन है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन अलग अलग साधनों में कैसे किया जाए, ये भी बजट का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन द रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज इन द इनकम ऑफ द पीपल। हमारे देश की तरह सभी देशों में लोगों में जो इनकम और वेल्थ है उसमें असमानता पाई जाती है, इनइक्वालिटी। बजट बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि किसी तरह से
जो जो असमानता है वो खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको कम किया जाए, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में उसको थोड़ा कम किया जाए। उसको करने का ढंग क्या होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब लोग हैं इकोनॉमिकली, उनको कुछ सब्सिडीज देना, स्कॉलरशिप्स देना, फ्री में बहुत सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज देना, और दूसरी तरफ जो अमीर है उन पर जो वस्तुएं हैं जो वो परचेज करते हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगाना, उन पर इनकम टैक्स लगा ज्यादा लगा देना, लग्जरीज आइटम्स को और महंगी कर देना। इस ढंग से पैसे का ट्रांसफर होता है फ्रॉम रिच टू पुअर इनडायरेक्ट वे से। तो इस इनइक्वालिटी को समाप्त करना भी बजट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हर देश की सरकार चाहती है कि उसके देश में पूर्ण रूप से आर्थिक स्थिरता रहे। अगर इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, बहुत से अप डाउन होते हैं, तो सारी इकोनॉमी शटर हो जाती है। उस स्टेबिलिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, द वन ऑफ द बेस्ट टूल इज थ्रू बजट। बजट में पैसे को इस ढंग से खर्च किया जाए ताकि सारी इकोनॉमी प्रॉपर बूस्ट होती रहे, ज्यादा उसमें रिसेशन ना आए, ओवर बूस्ट अप ना हो कोई एक सेक्टर। तो इस तरह के जो ट्रेड साइकिल्स है, अप डाउन है, उनको स्टेबल करने के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये भी बजट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं जो सरकारी उद्यम है, सरकार के बहुत से अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर सरकार का कंट्रोल है। पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब सरकारी उद्यम की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो इंडियन रेलवे, भारत में जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, उनको सही ढंग से मैनेज करना, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर बजट बनाना। जैसे हमारे देश में रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता था और देश का फाइनेंशियल बजट अलग से पेश किया जाता था, जनरल बजट। लेकिन अब ये तो है कि रेलवे बजट जनरल बजट का ही हिस्सा है, इसको अलग से पेश नहीं किया जा रहा अभी पीछे रिसेंटली इन ईयर्स में। लेकिन ऐसे पब्लिक एंटरप्राइज ताकि जैसे रेलवे है वो सही ढंग से मैनेज हो सके, उसके लिए बजट में प्रोविजन की जाती है। दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रिपेयरिंग बजट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। देश में आर्थिक तरक्की हो, कौन सा देश नहीं चाहता कि देश आर्थिक रूप से ग्रो करे, हर सेक्टर में प्रॉपर ग्रोथ हो, पूर्ण रूप से एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो, इसके लिए भी बजट को बनाया जाता है। उसके हिसाब से बजट में फिर अलग अलग सेक्टर्स को पैसा रीएलोकेट किया जाता है ताकि वो सेक्टर एक बैलेंस्ड वे में एक स्मूथ इकोनॉमिक ग्रोथ देश को दे सके। इसके अलावा हम कह सकते हैं जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बजट में इस ढंग से प्रोविजन की जाती है। बजट बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि प्रोडक्शन सेक्टर में जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी तो लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिलेगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ बजट। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यह है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। हमारे देश में कुछ एरिया बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, कुछ बैकवर्ड रह गए। जैसे अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट को पहचाना, वो बहुत पिछड़े हुए हैं, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए अलग से बजट को रीएलोकेट किया गया, उनको अलग से बजट दिया गया ताकि वो एरिया जो पिछड़ चुके हैं वो भी दूसरे एरिया की तरह आगे बढ़ सके। बजट बनाने का ऐसा भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि रीजनल जो डिसपैरिटीज हैं, कुछ एरिया ज्यादा फॉरवर्ड हो गया इकोनॉमिक लेवल पे, उनमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, कुछ बैकवर्ड रह गए, उनको समान लेवल पर लाया जा सके। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग बजट। बजट बनाने का एक मकसद ये भी होता है देश में जो वित्तीय अनुशासन है वो बना रहे, ना तो ज्यादा लोन हो, ना देश में रिसेशन हो, ना ही देश में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम होना और बाकियों में रिसेशन होना। ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन पैदा कर जाता है। लोन को सही टाइम पर वापस करना, गवर्नमेंट जो लोन लेती है इस सब को प्रॉपर प्लान आउट करना, ये भी बजट बनाने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब बजट के बारे में और बात करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। बजट को अगर समझना है तो जब गवर्नमेंट बजट पास करती है तो विद इन बजट दो टाइप के बजट बनते हैं अभी अपने आप में। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। पहले हम इसको समझें तभी हम बजट के बाकी कंटेंट्स को समझ पाएंगे। बात करते हैं रेवेन्यू बजट क्या है। रेवेन्यू बजट is such a budget which is comprises of all such items which are not going to either the assets of the government and or the liabilities of the government. Na to ye budget
गवर्नमेंट की किसी संपत्ति को इफेक्ट करता एसेट्स को, ना ही लाइबिलिटीज पर कोई असर पड़ता, ना एसेट्स बढ़ती ना कम होती, ना लाइबिलिटीज बढ़ती ना लाइबिलिटीज कम होती। अगर इससे रिलेटेड कोई आइटम बजट का हिस्सा है, बजट के उस हिस्से को हम रेवेन्यू बजट कहते हैं। रेवेन्यू बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना नहीं होता, देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको नॉर्मल वे में चलाना होता है। दूसरा बात करते हैं कैपिटल बजट, ये बिल्कुल उसके उल्ट है। जो रेवेन्यू बजट है इसको राजस्व बजट का नाम भी कहते हैं। रेवेन्यू मतलब आय, पंजाबी में से कहते हैं आमदन, यस। तो दूसरा है कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। क्या है ये कैपिटल बजट? इज सच अ बजट विच इज कंप्राइजेस ऑफ सच आइटम्स, और वी कैन से विच इंक्लूड्स सच आइटम्स विच आर गोइंग टू डायरेक्टली इफेक्ट द लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जिन आइटम्स के कारण, जिस लेन देन के कारण अगर कैपिटल बजट की जब बात करते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज में ये चेंज आए, तो उसको हम कैपिटल बजट का पार्ट मानते हैं। ये ध्यान रखना, इससे ये डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के आइटम्स होती हैं, जिससे सीधा इकोनॉमी पे असर पड़ता है। इकोनॉमी अच्छी हालत में भी आ सकती है और बुरी हालत में भी आ सकती है अगर लाइबिलिटीज कहीं रेज होगी। तो ये है कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो हमारे आज के टॉपिक का मेजर पार्ट है, दैट इज अ स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसका मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर और कंपोनेंट? कंपोनेंट्स मींस जो गवर्नमेंट का बजट है उसके कौन कौन से अंग हैं, उसका ढांचा क्या है, किससे बनता है बजट। जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो इसमें हमेशा दो हिस्से होते हैं किसी भी बजट में, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, बजट की प्राप्तियां और बजट का खर्च। और दोनों में भी आगे दो दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने यहां दिखाया स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। आप ध्यान से देखो, एक तरफ है बजट रिसीट्स, दूसरी तरफ है बजट पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स की बात करें तो इसमें दो तरह की प्राप्तियां हैं, वन इज द रेवेन्यू रिसीट्स, सेकेंड वन इज द कैपिटल रिसीट्स। इसी तरह से जब बजट एक्सपेंडिचर की बात करें, जो खर्च करते हैं बजट के पैसों को, आने वाले टाइम में कैसे खर्च करना है, उससे रिलेटेड भी दो तरह के बजट एक्सपेंडिचर हैं जिसको हम देख सकते हैं। वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तभी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाएगा। अब इनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे बजट रिसीट्स की, जो बजट की प्राप्तियां हैं वो क्या है, उनके दो पार्ट्स जो मैंने बताए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्तियां, आयगत प्राप्तियां। आयगत प्राप्तियां बजट में गवर्नमेंट को आने वाले समय में प्राप्त होने वाली वो सारी रिसीट्स होती हैं जो ना तो गवर्नमेंट के लिए पैसा तो प्राप्त हो जाए, ना तो किसी किस्म की लायबिलिटी क्रिएट करें, ना ही किसी तरह की गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हों। पर रेवेन्यू रिसीट्स में ध्यान रखना, ये ना तो नाइदर गोइंग टू क्रिएट एनी लायबिलिटी एंड नॉर गोइंग टू रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ लगा? इट्स अ वन साइडेड पेमेंट, एक तरफ से भुगतान होता है, बदले में दूसरी तरफ में रिवर्स कुछ नहीं होता इसका। इसके अलावा ध्यान रखना, जो रेवेन्यू रिसीट्स है इसमें जो प्राप्तियां होती हैं, वही ध्यान रखो, उस दो मेन जो रिसीट्स हैं उसके साधन है, एक तो है टैक्स रिसीट्स, दूसरे हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स के द्वारा, गवर्नमेंट को कर के द्वारा बहुत सी प्राप्तियां होती हैं, डिफरेंट टैक्सेस आर देयर। जैसे हम हमारे देश की बात करें, कौन कौन से टैक्स हैं, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड अबव ऑल आजकल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सारे के सारे जो टैक्स के रूप में रेवेन्यूज मिलते हैं, जो भी आय मिलती है गवर्नमेंट को, ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होता है। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट्स भी हैं बहुत से, जो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा भी प्राप्त होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो सरकार के अपने उद्यम है, जैसे रेलवे है, इंडियन एयरलाइंस हो सकता है, ऐसे ओएनजीसी है,
इन सबसे जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो नॉन टैक्स रिसीट्स के रूप में रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा होता है। इसके अलावा फीस एंड फाइन्स, सरकार लोगों से बहुत से जो डिफरेंट टाइप के एजुकेशन एक्टिविटीज, जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज, बहुत से लाइसेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट टाइम टाइम पे फीस लेती है, और जो अगर कोई किसी कानून को नहीं मानता तो उन पर फाइन भी लगते रहते हैं टाइम टू टाइम। इस ढंग से गवर्नमेंट के जो इनकम का सोर्स है एज अ रेवेन्यू रिसीट्स, वो नॉन टैक्स रिसीट्स के रूप में क्या क्या हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, फीस एंड फाइन्स, इसके अलावा गिफ्ट एंड ग्रांट, अगर सरकार को गिफ्ट मिल रही है कहीं से, सहायता के रूप में पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नया कॉन्सेप्ट है एस्चीट। एस्चीट जिसको नजूल कहते हैं, ये क्या है, जो लावारिस प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई ऑनर ही नहीं निकल के आता, या उसकी डेथ हो गई है, बिना बेनाम की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर भी गवर्नमेंट को जो रिसीट्स होता है वो भी रेवेन्यू रिसीट्स का ही हिस्सा बनता है। रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बहुत सी इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, उससे भी बहुत सा प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलता है। ये सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं। समझ आई मेरी बात? अब दूसरा बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स मतलब पूंजीगत प्राप्तियां, ये बिल्कुल उसके उल्ट हो गया, दूसरा पहलू है ये प्राप्तियों का गवर्नमेंट के लिए बजट में। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और गोइंग टू रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या तो सरकार के लिए भी कोई जिम्मेवारियां, मतलब लाइबिलिटी पे करेंगे, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे ये ऐसी प्राप्तियां, पैसा मिला कि कहां कहां से और सरकार ने आने वाले टाइम में वापस करना है उसको। अब जैसे पहले मैंने कहा कि सरकार के लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, सरकार ने किसी पे जुर्माना लगाया, सरकार को मिल गया तो बदले में तो कुछ नहीं देना पड़ा था, बट कैपिटल रिसीट्स में या तो कोई देनदारी गवर्नमेंट की क्रिएट होगी और या गवर्नमेंट की कोई एसेट्स है उसको सेल आउट कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, तो वो कम हो जाएगी। एसेट्स का रिड्यूस होना, लाइबिलिटी का क्रिएट होना, इससे अगर गवर्नमेंट को कुछ प्राप्त होता है वो कैपिटल रिसीट्स है। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है जैसे गवर्नमेंट की कोई पब्लिक एंटरप्राइज थी, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, बेचने से क्या हो गया, अभी उसको पैसा मिल गया पर एसेट्स तो कम होगी। गवर्नमेंट ने लोन लिया बाहर की गवर्नमेंट से, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी खड़ी होगी, आने वाले टाइम में लोन वापिस तो करना है ना, लेकिन पैसा मिल गया। इस टाइप की रिसीट्स को हम कैपिटल रिसीट्स या पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, जो रेवेन्यू रिसीट्स था, राजस्व जो प्राप्तियां थी उसमें क्या था, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती थी, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में लाइबिलिटी क्रिएट होती है। रेवेन्यू रिसीट्स में किसी एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी नहीं आती थी, जबकि कैपिटल रिसीट्स में एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, उसको बेच दिया तभी पैसा आया। इसके अलावा जो रेवेन्यू रिसीट्स है ये डे टू डे एक्टिविटीज में, रूटीन में कीप ऑन गोइंग ऑन, लगातार मिलता रहता है, मिलता रहता है, जबकि कैपिटल रिसीट्स कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में लगातार नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं बजट रिसीट्स के बाद दूसरा हिस्सा जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की वो है बजट एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बजट एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे रिसीट्स के दो पार्ट थे, बजट एक्सपेंडिचर क्योंकि खर्च भी दो तरह के होते हैं गवर्नमेंट के, वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अकेले अकेले की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने खर्चा किया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डोंट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, सरकार ने खर्चा किया पर कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती, सरकार को कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती भी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व खर्चे क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर गोइंग टू क्रिएट एनी न्यू एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और एक्सपेंशन ऑफ एसेट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एंड नॉर गोइंग टू रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। सरकार ने खर्च किया भाई, पैसे खर्च दिए, किसी को दे दिए, ना तो एसेट्स बने गवर्नमेंट की, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो ऐसा नहीं है, खर्च हो गया, और ना ही किसी लाइबिलिटी में कमी हो, खर्च कर दिया, जैसे लोन कम भी नहीं हुआ, देनदारी कमी नहीं हुई। इस टाइप के सभी खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को स्मूथ चलाने के लिए ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बारे में जैसे हम कहते हैं ग्रांट इन एड और हेल्प,
किसी को सहायता के रूप में सरकार ने पैसे दे दिए। मान लो नेपाल में भूचाल आया तो आपको याद होगा इंडियन गवर्नमेंट ने वहां बहुत सी हेल्प की थी। अब बदले में तो कुछ नहीं बनेगा ना, ना तो कोई वहां एसेट्स क्रिएट हो रही है, सिर्फ रिश्ते डेवलप हो रहे हैं दोनों देशों में, ना ही लाइबिलिटी में कोई कमी आई। इसके अलावा जनरल सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सी सेवाएं, ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट बनती, ना ही लाइबिलिटी में कमी होती, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे उल्ट हो गए भाई। पूंजीगत खर्च क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय व्यय और हम कह सकते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर गोइंग टू जनरेट न्यू एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट और गोइंग टू रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो सरकार की कोई संपत्ति बनेगी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से, सरकार खर्च कर रही है, या तो कोई एसेट्स क्रिएट होने वाली है, बांध बनाया, पुल बनाए, रोड्स बनाई, पैसा तो खर्च हो गया पर गवर्नमेंट की एसेट्स तो बन गई। दूसरी तरफ ना ही लाइव इससे अगर ये नहीं हो रहा तो साथ में क्या होगा, कोई ना कोई लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सरकार ने खर्च किया, लोन की पेमेंट कर दी, लोन कम हो गया ना, खर्च तो हो गया लेकिन लाइबिलिटी में कमी आ गई, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस पता लग गया। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट हो सकती है अगर किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए या बनाने के लिए पैसा खर्च किया गया। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से किसी टाइप की किसी लाइबिलिटी में कोई कमी नहीं आती, खर्च भी हो गया, देनदारी फिर भी कम नहीं हुई। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे या लाइबिलिटी कम हो सकती है, एसेट्स भी बन सकती है या लाइबिलिटी कम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात स्पष्ट होगी होगी, जो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंसिस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जोड़ है, और जो टोटल गवर्नमेंट के रिसीट्स हैं, कुल प्राप्तियां हैं, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का एग्रीगेट है, दोनों का जोड़ है। कि अगर हम बैलेंस्ड बजट या अनबैलेंस्ड बजट की बात करें, बैलेंस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट इज दैट बजट वेयर टोटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, मतलब मैं बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीट्स की बात कर रहा हूं। जब बजट रिसीट्स की बात हो रही है तो उसमें कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स शामिल है, जब बजट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों शामिल है। इफ द बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर आर इक्वल then the budget is known as balanced budget। और unbalanced क्या हो गया, अगर बराबर नहीं है भाई तो उसमें दो पोजीशन आ जाती हैं, वो कौन सी है, surplus budget and deficit budget। surplus budget क्या होता है, जब budget receipts are more than budget expenditure, जो budget में प्राप्तियां हैं, जो राजस्व है government का, वो budget expenditure से ज्यादा है, that type of budget is known as surplus budget। और डेफिशिएंट बजट कौन सा है, घाटे की वित्त व्यवस्था वाला जो बजट होता है। डेफिशिएंट बजट इज दैट बजट वेयर बजट एक्सपेंडिचर आर मोर देन बजट रिसीट्स, और वी कैन से बजट रिसीट्स आर लेस देन बजट एक्सपेंडिचर। खर्च ज्यादा है भाई, आय कम है, तो घाटा तो होगा ही होगा। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है एग्जाम में, जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्च करती है उसका महत्व क्या है अभी। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन बजट रिसीट्स के लिए हो तो साफ है भाई, खर्चे करने के लिए प्राप्तियां करती है गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, बजट जो खर्च है उसका महत्व क्या है, कहां इसका यूज होता है इकोनॉमी में। सबसे पहले अगर बजट एक्सपेंडिचर होते हैं, उसकी प्रोविजन बनाई जाती है, उसकी हेल्प क्या मिलती है, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की आर्थिक तरक्की होती है भाई। अगर सरकार खर्च करेगी तभी देश इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, हर सेक्टर में वो डेवलप करेगा, चाहे कंज्यूमर सेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो सकती है अगर बजट एक्सपेंडिचर होंगे। इसके अलावा हेल्पफुल इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक रूप से अगर स्थिरता देश में कायम करनी है, देश को एक समूह रूप में आगे बढ़ना है, तो
तो बजट इज मस्ट। बजट में अगर खर्चे होंगे, बजट एक्सपेंडिचर होंगे, तभी देश में स्टेबिलिटी बनेगी, इकोनॉमिक रूप से एक स्मूथ रूप में देश डेवलपमेंट भी करेगा और स्टेबल रूप से इकोनॉमी चलती रहेगी, ज्यादा अप्स एंड डाउन का, ज्यादा रिसेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जब बजट में खर्च करती है प्रोडक्शन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो इसका मतलब बजट का एक सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि इट हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्पफुल इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो सरकार को आय प्राप्त होगी, अब उस आय को, उस रेवेन्यू को कहां पर खर्च किया जाए, डिफरेंट सोर्सेज में कितने कितने जो रेवेन्यू है उसको खर्च करना है, बजट एक्सपेंडिचर किस ढंग से करने हैं, ताकि सभी सोर्सेज की, जो सभी जहां सेक्टर्स हैं जहां पर हम उन सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उनकी एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, तो इसके लिए बजट जरूरी है, तभी तो बजट बनाया जाता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बजट। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगर आर्थिक असमानताएं हैं, चाहे वो पीपल टू पीपल हो, इकोनॉमी टू इकोनॉमी हो, रीजन टू रीजन हो, सेक्टर टू सेक्टर हो, अगर किसी भी टाइप की असमानताएं हैं, तो उनको भी बजट एक्सपेंडिचर्स के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। जहां कमी है उस सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जहां कमी नहीं है उसमें थोड़ी कम एलोकेशन कर देते हैं बजट में। नेक्स्ट है फॉर वेलफेयर स्टेट, क्योंकि जैसे हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, तो लोगों के कल्याण के बहुत से काम होते हैं, किसी को स्कॉलरशिप, इसके अलावा सैलरीज, वेजेस, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, बहुत से जो गवर्नमेंट है वो खर्च करती है वेलफेयर एक्सपेंडिचर, उनको करने के लिए भी जो बजट है उसमें बजट एक्सपेंडिचर की अपनी ही भूमिका है। फॉर डिफेंस, देश को अगर सुरक्षित रखना है तो डिफेंस में भी खर्चा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलप करना है, किसी भी सेक्टर को अगर प्रॉपर ग्रोथ देनी है, देन वी नीड बजट। फ्रॉम ऑल दीज कंटेंट्स वी शुड नो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च क्यों करती है, बजट में जो बजट होते एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। समझ लगी आपको बात? सो स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट जो आज हमने बात की। गवर्नमेंट बजट क्या है, बजट का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजट के, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट क्या है, बहुत डिटेल में बात की। साथ में हम लास्ट में जो कंक्लूजन किया वो था सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के बजट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बजट एक्सपेंडिचर, उसके बारे में बात की। सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई हिस्सा क्लियर नहीं तो वीडियो के उस हिस्से में जाके दोबारा देखें। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई कंसर्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। मेरे इस चैनल पर बहुत सी वीडियो ऑलरेडी है डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको देखें। बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस आर देयर, उनको देखें, नई वीडियोस का इंतजार करें। Till then, thank you very much.